हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सुपरस्टोर पर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले हैं पेट का मोटापा कम कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेट का मोटापा कम कैसे करें, आइए जानते हैं। दोस्तों, भागदौड़ भरी जिंदगी में अस्त व्यस्त खान पान और दिनचर्या के कारण अक्सर लोगों के बीच मोटापा आम समस्या बन चुका है। हर चौथा व्यक्ति पेट निकलने की समस्या से परेशान है। पेट की चर्बी बढ़ने के कारण हमारा वजन बढ़ने लगता है और हमारी स्मार्टनेस कम हो जाती है। वजन कम करने के लिए लोग कई तरीके के उपाय करते हैं। बहुत सारे लोग जिम ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन बहुत फायदा नहीं हो पाता। इसके अलावा बहुत सारे लोग डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर भी थक जाते हैं। हम आपको कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में भी बताने जा रहे हैं जो आपका मोटापा वजन कम करने घटाने में आपकी मदद करेगा। आइए दोस्तों जानते हैं। जैसे कि शुगर से परहेज, अपने भोजन में सुधार करने के लिए शुगर के ड्रिंक्स को फूड्स को छोड़ना होता है। चीनी पेट की चर्बी बढ़ाती है और फाइबर पेट की चर्बी के लिए कम करता है। जब आप फलों का रस निकालते हैं तो आप शुद्ध चीनी पीते हैं और फाइबर को हटा देते हैं। मीठे पेय पदार्थों के बदले पानी पिए, इससे आपके चीनी के सेवन में कटौती होगी और फिर एक बार जब आप यह कदम उठा लेंगे तो आपको जान जाएंगे कि चीनी के खाद्य पदार्थों को कैसे कम किया जाएगा। मीठा खाने का बहुत दिल चाहे तो भोजन में आप एक सेब, तरबूज या ताजी जामुन खाएं। दूसरा, कोशिश करें कि ज़्यादा ना बैठें। जो लोग दिन में 8 से 9 घंटे बैठे हैं, भले ही वह प्रति सप्ताह अनुशासित 2 से 3 घंटे करसल करते हों, उन्हें उस व्यायाम करने के उतने ही लाभ नहीं होते जितने दिन भर के अधिक सक्रिय होने से होते हैं। आप घूमने के लिए दिन भर में छोटे छोटे ब्रेक लें। तीसरा होता है आपका नींबू। वजन कम करने के लिए कई लोग नींबू पानी पीते हैं क्योंकि ये कई गुणों से भरपूर होते हैं। बता दें कि भोजन के जरिए लोगों के शरीर में कैलोरीज जाती हैं। जब बॉडी दैनिक रूप में इतने कैलोरीज को खर्च नहीं कर पाता तो एक्स्ट्रा कैलोरी फैट के रूप में जमा हो जाता है, इससे शरीर का वजन बढ़ जाता है। नींबू में कैलोरीज की मात्रा बेहद कम होती है, ऐसे में इसका सेवन फायदेमंद है। चौथा फायदा हो गया आपका गुनगुना पानी पिए। गुनगुना पानी मेटाबॉलिज्म और एक्सरसाइज करता है और वजन कम करने में मदद करता है। इससे न केवल बॉडी हाइड्रेट होती है बल्कि पेट पर जमा अतिरिक्त वसा घट जाती है। पानी के अलावा फल और जूस का भी सेवन करें। पांचवा उपाय, पूरी नींद लें। एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि 5 घंटे से कम नींद लेने वालों में 30 किलो या उससे अधिक वजन बढ़ता है। कम नींद आपके कॉर्टिजोल को बढ़ा सकती है और हाई कैलोरी वाले फूड्स के लिए आपकी क्रेविंग भी बढ़ सकती है जिससे वजन बढ़ सकता है। खास तौर पर पेट की चर्बी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। आपका छठा उपाय, हरी सब्जियों पर ध्यान दें। आपका भोजन विशेष रूप से खास भोजन होना चाहिए सब्जियों के साथ, चाहे वह सब्जियों का सूप हो या कॉफ़ी प्लेट में सिर्फ सब्जियां हो। याद रखें कि सब्जियों में हमेशा आपकी प्लेट का कम से कम आधा हिस्सा स्टार्च जैसे आलू और बाकी के बिना स्टार्च वाली सब्जियां जैसे पत्तेदार साग, ब्रोकली आदि का मिश्रण होना चाहिए। आपका सातवां उपाय, शराब से बचें। पेट की चर्बी के लिए शराब का सेवन खराब है। शराब सिर्फ चर्बी बढ़ने में योगदान दे सकती है। यह कारण है कि अल्कोहल को खालिस कैलोरी कहा जाता है, इसमें कोई पोषक तत्व नहीं होता। मदिरा पान में आंत में फैट एक्यूमेन और एक हाई बॉडी मास इंडेक्स हो सकता है। अगर आप पेट की चर्बी को कम करना चाहते हैं और साथ ही आपका शराब भी पीते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको धीरज से काम लेना होगा और जो हमने घरेलू नुस्खे आपको बताए हैं उनको अपने जीवन में इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकती है। और यकीन जानिए, बात अवश्य बनेगी और आप फिर से चुस्त तंदुरुस्त और ट्रिम स्लिम हो जाएंगे। ना यकीन आए तो एक बार इनके एग्जाम करके देखिए। इन नुस्खों को आपने एक बार शुरू कर दिया तो फिर ये आपकी आदत बन जाएंगे और यही रोज जुनून आपके लिए बहुत जल्द फायदेमंद होगा। कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए आप गर्म पानी 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण मिलाकर रोजाना पिए। यह एक चैनल, कोई भी आयुर्वेदिक दवा अप्लाई करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर आप आयुर्वेदिक दवा खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।